वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि जावा के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। आपको पता है ना, जब वैल्यू को हम लोग जब स्टोर करते हैं को जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो ये सारे कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को चलो समझते हैं कि जावा में कैसे होते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो, वीडियो को एंजॉय करो। तो सबसे पहले तो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में बेसिकली क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर बिल्ड इन डेटा टाइप्स। बिल्ड इन का मतलब क्या है, तो जावा के अंदर पहले से हमें बने बनाए मिलते हैं। तो होता है बाइट होता है जो कि 8 बीट साइंड इंटीजर को कंटेन करता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, कैर होता है, बुलियन होता है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे यूज करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, इंट लिखते हैं, इंट आई इक्वल टू आई, ऐसे इंट आई लिखते हैं, इंट ए लिखते हैं, फिर इंट बी लिखते हैं। तो ऐसे ही डेटा टाइप्स होते हैं ना, वेरिएबल वगैरह बनाते हैं हम लोग। फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं, स्ट्रिंग होती है, एरे होती है, क्लास होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है। स्ट्रिंग बेसिकली आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप्स के होते हैं। फिर आपका होता है ना, एरे बनाते हैं, अगर इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं जैसे इंट लिखते हैं, और फिर एरे अगर मान लीजिए एरे टाइप का अगर बना दिए आपका, या फिर न्यू इंट लिखते हैं ऐसे, और यहाँ पे साइज असाइन कर देते हैं, यानी इंटीजर टाइप का अगर एरे बनाया तो इसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग डालेंगे वो आपकी जाएगी सेम टाइप की। अगर इंटीजर बनाया तो इंटीजर ही जाएगी, स्ट्रिंग नहीं जाएगी। अगर स्ट्रिंग बनाया तो स्ट्रिंग जाएगी, इंटीजर नहीं जाएगी, ठीक। क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स होता है। इंटरफेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई क्लासेस, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट वगैरह को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ये अभी हम लोग इनहेरिटेंस, अरे अभी हम लोग उसके कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पर देखो लास्ट में मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, दीज डेटा टाइप्स कैन बी यूज टू डिफाइन वेरिएबल्स, पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स इन जावा मेथड्स। इन सारे चीज़ों को करने के लिए करते हैं। अभी मैं एक चलो मेथड एक लिख कर आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक मेथड आप लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वाइड, जो कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, या रिटर्न में मान के चलो मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ, रिटर्न ये इंटीजर करेगा, और यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ। सम में आप यहाँ पे वैल्यू इंट इंट ए पास करोगे और एक इंट बी पास करोगे, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा देंगे, रिटर्न ए प्लस बी करा देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। अब देखो जो यहाँ पे नीचे में जितनी भी चीज़ें लिखा हूँ, तो देखो वेरिएबल आपका कहाँ पे आ गया, ये देखो वेरिएबल यहाँ पर आ गया। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स तो ही पास करते हैं ना, ए और बी जो है ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। रिटर्न टाइप क्या होता है आपका, रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे रिटर्न करा ए प्लस बी, जो इंटीजर करेगा यहाँ पे रिटर्न टाइप हम लोग लिखे हैं, ये आपका हो गया रिटर्न टाइप, ठीक है, ये आपका रिटर्न टाइप हो गया। अभी थोड़ा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अभी कोड करके, तो वहाँ पे चीज़ हम एक बार फिर से समराइज में कर दूंगा।